आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अंबेडकर नगर की जनता सड़कों पर है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान यहाँ खड़े हैं और साथ में उनके लल्लू सिंह जो फैजाबाद अयोध्या के एमपी हैं वो भी हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता यहाँ पर सड़कों पर लंबी दूरी तक एक साथ सड़क पर खड़ी है और अभिवादन कर रही है। नड्डा जी से कुछ प्रश्न इसमें मैं करना चाहूँगा। नड्डा जी, आज जो ये रैली दिख रही है, इतनी बड़ी जनता सड़क पर है, क्या आपको लग रहा है 2017 फिर से रिपीट होगा? बिल्कुल होगा, हम 300 पार करेंगे। जनता का विश्वास लेने के लिए हम निकले हैं, जो कहा था वो किया है और उस जो किया है वो बताने निकले हैं। जनता जानती है, ये उत्साह बता रहा है कि जनता मोदी जी के जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिला और जो योगी जी ने धरती पर काम किया है उसको फिर से एक बार शाबाशी देने के लिए आतुर है और यह जोश, यह उत्साह, यह उल्लास इस बात का को इंगित कर रहा है और ये वातावरण एक जिसको कहते हैं त्योहार नुमा वातावरण देखने को मिल रहा है। एक बात जो कल प्रधानमंत्री जी ने परसों कही थी कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, लेकिन उसके ठीक उलट अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि अनुपयोगी हैं, योगी उपयोगी नहीं है। देखिए, जिसकी जैसी सोच वैसी बोल, मैंने पहले कहा था, उनकी सोच नकारात्मक है, उन्होंने कभी अच्छे सकारात्मक दृष्टि से कोई बात सोचा नहीं, इसलिए उनसे कोई ऐसे अच्छे शब्द निकलना ये आशा करना ही निरर्थक है और गलत है। लेकिन हाँ, वो उपयोगी हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता बता रही है और आने वाले चुनाव में नतीजे बताएंगे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। एक प्रश्न जो बार बार उठ रहा है, जो अखिलेश यादव के कुछ करीबी लोगों पर छापा पड़ा है तो केंद्रीय एजेंसियों के जांच का प्रश्न बार बार उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने चुनाव नहीं लड़ रही है, एजेंसियाँ चुनाव लड़ रही है। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन में जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को बोलते हैं, उसको दोष डालते हैं, सेंट्रल एजेंसीज को दोष डालते हैं। अब अखिलेश के दोस्त कौन है? आधे तो जेल में हैं, माफिया, यही सब लोग हैं। तो ऐसे इस तरीके के केंद्र सरकार के केंद्र की एजेंसीज या स्टेट की एजेंसीज इन लोगों पर एक्शन लेती रहती हैं, वही एक्शन उन पर हो रहा है। आखिरी प्रश्न बस अब खत्म करूंगा कि क्या आपको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी या उससे कम होगा? तोड़ेगी, आगे बढ़ेगी, प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है, ये स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ।